हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की। ये एक लैटिन मैक्सिम से निकला है, जिसका जो मैक्सिम है उट रेस मैगिस वैलिएट क्वैम पीरिएट, मतलब कि इट इज़ बेटर कि हम लोग जो लॉ है उसे मीनिंग प्रोवाइड करें, ना कि उसको वॉइड डिक्लेयर करें। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई दो लॉ आ रहे हैं, दो कंस्ट्रक्शन पॉसिबली दिख रहे हैं, तो हमें ऐसा लॉ फॉलो करना चाहिए, ऐसे इंटरप्रिटेशन को यूज़ करना चाहिए, इस तरह इंटरप्रिटेट करना चाहिए जिससे जो लॉ है उसे इफ़ेक्ट मिले, वो ऑपरेटिव हो, ना कि उसका जो वैल्यूएशन है वो ख़त्म हो। ये जो मैक्सिम है वो प्रोवाइड करती है इफ़ेक्ट प्रोविजन को या स्टैट्यूट को, और उसे ऑपरेटिव बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करती है। इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जिससे दो प्रोविजन है, और उनके कॉन्फ्लिक्ट के कारण हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम उस प्रोविजन को अगर हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो वो जो प्रोविज़न है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जो लैंग्वेज है वो लेजिस्लेशन की जो उन्होंने एक्ट बनाया है उसको इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हुए जो प्रोविज़न है उसे ऑपरेटिव डिक्लेयर किया जाए। ये एक केस है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस से हम इस पूरे मैक्सिम को ढंग से समझ सकते हैं। इस केस में ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा किया गया एक केस था स्टेट ऑफ पंजाब से, कि बिजली चोरी का केस था। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें ऐसा दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी अगर कोई करता है तो वो इंडियन पेनल कोड के अंदर थेफ्ट कहलाएगा। अब इतने के बाद ये आता है कि अगर फिर उसके बाद सेक्शन 50 में आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर कि ये जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो या तो गवर्नमेंट या तो जो बोर्ड है या फिर जो कोई पर्सन एग्रीव्ड है उसके द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पे बात ये थी कि या तो इसे इंडियन पेनल कोड के अंदर एक डिक्लेयर कर दिया जाए थेफ्ट और उसके थ्रू प्रोविज़न को डील किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है तो बात दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो गवर्नमेंट या किसी के द्वारा नहीं किया गया था, जो सेक्शन 50 के प्रोसीजर में हुआ लिखा जाना था वो नहीं हो रहा था। तो अगर इंडियन पिनल कोड के अंदर इसे थेफ्ट डिक्लेयर किया जाता है तो जो सेक्शन 50 है वो वर्थलेस हो जाएगा, और सेक्शन 50 जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है उसे वर्थलेस नहीं बनाते हुए उसे इफ़ेक्ट दिया गया। और इसमें क्योंकि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था, जो एक्यूज था उसे एक्विटल किया गया। तो मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जाए जिससे स्टैट्यूट को कुछ ऑपरेशन मिले, उसे इफ़ेक्ट मिले। तो इसलिए जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था उसके सेक्शन 50 को इफ़ेक्ट दिया गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।